ये वाला क्वेश्चन है आपका 8.3 का थर्ड क्वेश्चन। इफ टेन टू ए कॉट ए माइनस 18, तो टेन टू ए क्या रहा होगा, ये रहा होगा कॉट 90 माइनस 2 ए। लेकिन कॉट 90 माइनस 2 ए ही तो ये आएगा, इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2 ए इक्वल टू ए माइनस 18। अब आपने अगर ये माइनस 2 ए, ये वाला ए इधर प्लस का साइन देखते हैं लेफ्ट से, माइनस ए माइनस 18, ये 90 इधर से प्लस देखेंगे माइनस 90, माइनस 3 ए इक्वल टू माइनस 108, माइनस से माइनस कट गया 108 अपॉन 3, तो ए कितना आ गया 36। फोर्थ पार्ट देखिए, आंसर शीट रखिए यहाँ पे देखते रहना। टेन ए इक्वल टू कॉट बी, इसमें आपको प्रूव करना है फाइनली ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब किसी को भी चेंज कर लेते हैं, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, एक ही बात होती है। इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी। अब ये आपका कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी, ये ए इधर जाके किसका हो गया प्लस का, बी प्लस ए, चाहे आपकी मर्जी है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसमें दिया है sec 4 ए इक्वल टू cosec ए माइनस 20 डिग्री, ए की वैल्यू पूछी है, तो sec 4 ए को वही लिख लेंगे cosec 90 माइनस 4 ए, ये हो गया cosec ए माइनस 20। cosec से cosec कट गया, 90 माइनस 4 ए इक्वल टू ए माइनस 20, ये इधर से साइन देखते हैं फिर बता रही हूँ बार बार, ये हो गया माइनस 4 ए, इधर प्लस का है तो इधर लाके किसका हुआ माइनस का, ये माइनस 20 माइनस 90 था इधर, ये इधर आके हो गया प्लस 90। माइनस 5 ए गलत हो गया कुछ, ये 90 तो 90 प्लस का है, 90 इधर आके माइनस का हो गया, ये हो गया 110, लेकिन माइनस का हुआ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 110 अपॉन 5 चेक कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसने कहा ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट, किसी भी ट्राइंगल के आपने माना तीन एंगल हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम कितना होगा 180। फिर ऑन डिवाइडिंग बाय 2, ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2, सब तरफ हमने 2 से डिवाइड किया है। हाँ, ये लाने के लिए अपॉन 2 है ना, यहाँ पर प्रूफ में, प्रूफ के क्वेश्चन में हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90। अब यहाँ देखिए, B प्लस सी एक तरफ रखने हैं और A मुझे एक तरफ रखना है, तो मैं ये B अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 एक तरफ रख लूँगी और 90 माइनस A बाई 2 एक तरफ रख लूँगी। और अगर मैं इधर की दोनों को, दोनों में साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ बाय मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑन बोथ साइड, साइन से क्यों करा है, क्योंकि इधर मुझे कॉस लाना है, अगर मुझे इधर साइन लाना होता तो मैं कॉस से मल्टीप्लाई करती, ऐसे टेन से कॉट से जिसकी भी वो डिमांड करता, तो ये तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो साइन 2 एल सी में तो 2 आ जाएगा, आपको पता है बी प्लस सी अपॉन 2, और ये साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, कॉस ए अपॉन 2, तो हैंस प्रूफ। सपोज करो यहाँ पे टेन होता है, यहाँ कॉट होता, तो हम टेन के उससे करते, कॉट के उससे करते, मतलब वी हैव टू सी द रिजल्ट फर्स्ट, हमें ये दिमाग में रखना है कि वॉट मतलब वॉट वी हैव टू डू, कि हमें क्या करना है। तो अगर नहीं तो आप ये, तो ये कुछ नहीं, हम रट सकते कि ये कॉस लाए तो हमने साइन से इंटू करा, ये डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अब इसमें कहा है कि इसके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना है एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन
वैसे जहाँ तक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन कटे हुए माने गए हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो ये हो गया साइन, इसको रख दीजिए आप साइन 90 माइनस नहीं 67 कब आएगा, 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगी कि 67 है, 90 माइनस 23। आपको जो एंगल्स है ना, ये कहा है एंगल आपको 0 और 45 के बीच में लाने हैं, यहाँ पे ये 45 से बड़े हैं, आपको बस इनको छोटे एंगल में टर्न कर देना है। अब जैसे कॉस है, ये कॉस 90 माइनस 15 रहा होगा, क्योंकि 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो ये आएगा, तो ये हो गया कॉस 23 प्लस साइन 15 हो गया, मतलब आपको 0 से 45 के बीच में लाने थे। नाउ 8.3 इज़ ओवर।